आज की लैब में आप लोग अगर लैब डॉक्यूमेंट खोलें तो आज की लैब का जो फोकस है वो है डाटा फ्लो लेवल मॉडलिंग। ठीक है, फर्स्ट मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? जी मैम, आ रही यस सर, है। हाय। यस मैम। ओके, फर्स्ट लैब में हमने डिस्कस किया था कि जब हम हार्डवेयर लेवल की बात करते हैं, हार्डवेयर लेवल पे हार्डवेयर लैंग्वेजेस की बात करते हैं, हार्डवेयर लैंग्वेजेस में हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज वेरीलॉग। वेरीलॉग में फिर हमने बात की थी कि हमें थ्री लेवल फोर लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, स्विच लेवल, गेट लेवल, देन डेटा फ्लो लेवल एंड देन बिहेवियर लेवल। ठीक है, तो लास्ट लैब का फोकस जो था वो गेट लेवल था। उसमें हमने गेट लेवल पर मॉडलिंग की थी, देखा था हमने कि कैसे जब भी हमने सर्किट डिजाइन करना होगा गेट लेवल पे तो कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो टेबल बनाएंगे, जो टेबल से फिर हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन से फिर हम अपना गेट लेवल मॉडलिंग गेट लेवल पे कोड को डिजाइन करेंगे। ठीक है, आज की लैब का जो फोकस है दैट इज डेटा फ्लो लेवल मॉडलिंग। डेटा फ्लो लेवल मॉडलिंग जो है इसमें हम बजाय इसके कि वो सारा का सारा प्रोसेस करें, जो टेबल बनाएं, फिर एक्सप्रेशन निकालें, फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, फिर उसे हम कोड बनाएं, ठीक है, तो उस सारे काम को हम स्किप करके थोड़ा सा काम आसान कर लेते हैं और एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे काम करते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ असाइन स्टेटमेंट के थ्रू से अपने सिस्टम का बिहेवियर, अपने सिस्टम से जो भी काम करवाना होता है वो बताते हैं, और बैक एंड पे जो आपके पास गेट लेवल पे डिजाइन होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लॉजिक सिंथेसिस भी बोलते हैं। लॉजिक सिंथेसिस क्या होता है कि ऑटोमेटिकली लॉजिक गेट्स जो हैं वो आपके पास लॉजिक गेट सर्किट जो है डिजाइन हो जाता है जब आप कोई डाटा फ्लो लेवल पे कोड लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को याद हो, अगर हम एक एडर की बात करते हैं, अगर मैंने 1 बिट का, आज के लैब में भी आपने एडर बनाना है, तो अगर आपने 1 बिट फुल एडर बनाना है तो आपके पास ए बी सी इन और सी आउट, गेट लेवल पे काम करना है तो आप क्या करेंगे, जीरो जीरो जीरो, सॉरी सी आउट और साथ में सम भी होना चाहिए ना, दो आउटपुट्स हैं। ठीक है, ये हमारी आउटपुट है और दिस वन इज इनपुट। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इस पूरा का पूरा ट्रुथ टेबल बनाएंगे और फिर सम के लिए अलग एक्सप्रेशन आएगी, सी आउट के लिए अलग एक्सप्रेशन आएगी, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर आउटपुट निकालेंगे। डाटा फ्लो लेवल पे हम क्या करते हैं, डाटा फ्लो लेवल पे हमारे पास कीवर्ड असाइन मौजूद है जिसके थ्रू हम सिंपली डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स यूज करके काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सम, बल्कि चलें फिलहाल कंकैटिनेशन की बात नहीं करते, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ए बी और सी एन को ऐड करके खुद ही से एस के अंदर आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, अभी मैं दोबारा से सारे स्टूडेंट्स अटेंटिव होके ये चीज देख लें, डेटा फ्लो लेवल पे जब आप लोग कोड लिखेंगे तो आपने ये स्टेटमेंट यूज करनी है। ठीक है, कल सेक्शन ए के 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो गेट लेवल पे, सॉरी असाइन स्टेटमेंट्स तो यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वही गेट लेवल पे जो जो उन्होंने सर्किट डिजाइन किया हुआ उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटर्स को यूज कर रहे थे, तो आप लोगों ने वो नहीं करना, आप लोगों ने सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करके इस चीज को एडर को डिजाइन करना है। ठीक है, तो डाटा फ्लो लेवल में क्या हुआ, हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो गया जिसमें हम क्या करें, असाइन स्टेटमेंट के थ्रू डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज करके अपना कोड लिख सकते हैं। अच्छा, असाइन स्टेटमेंट के कुछ रूल्स हैं। असाइन स्टेटमेंट का सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल है वो ये है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी अभी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी थी, असाइन S is equal to, let's say A plus B, मैं सीन को फिलहाल अभी नहीं दे रही।